यहाँ से इलेक्ट्रिक की जो बिल बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल में जो वृद्धि हो रही है, तो उसमें आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या आपका एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। देखिए, 7 से 8 महीने के भीतर जो सर्विस इंडस्ट्री को लेकर के लॉन हॉल वालों ने कुछ भी व्यापार नहीं किया, एचटी बिलिंग में डिपार्टमेंट ने ना एसएमएस के थ्रू, ना ईमेल के थ्रू और ना फिजिकल फॉर्म के थ्रू ना तो बिजली के बिल भेजे और ना ही उन्होंने कोई रास्ता बताया कि आप खुद ऑनलाइन जा कर के चेक कर सकते हैं, रीडिंग आप खुद भी ले सकते हैं। अभी 8 महीने के बाद उन्होंने बड़े बड़े बिल भेज दिए हैं जिसमें कि कोई सुनवाई नहीं है, और उसके अलावा भी जब उनको कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें भी कोई उनकी तरफ से मदद नहीं की जा रही है। इसमें जो मार पड़ी है वो तो दो तरफा ऐसी हो गई है कि एक तो बिजनेस नहीं हो पाया और उसके ऊपर जो बेतहाशा बिजली के बिल इतने बड़े बड़े आ गए पैमाने में, उसको कैसे भरेंगे। दूसरी बात कि डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सुविधा एक किसी भी प्रकार की प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जबकि हमें उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेंगे और इसमें कुछ ना कुछ संविधान निकलेगा, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। लॉकडाउन के दरमियान देखा गया था कि कई लोगों की तरफ से मांग उठी थी ग्राहकों की ओर से कि 200 यूनिट बिजली कम की जाए। ऊर्जा मंत्री हमारे बहुत सक्षम हैं, हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो इसमें कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि कोई एक इंसान का नहीं है, चारों तरफ, चाहे वो घर के बिल हों, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, सब जगह इसकी बहुत बुरी मार पड़ी है, क्योंकि मार्केट पूरी तरह ही क्रैश हो गया था, और इसमें ज़रूर कोई ना कोई उनकी तरफ से मदद तो की जाएगी। समाज की ओर से ये मांग उठ रही है कि जो नाइट कर्फ्यू जो सरकार ने हाल ही में घोषित किया हुआ है, उसका समय या तो कम किया जाए या तो फिर पूरा दिन भर रखा जाए, ऐसा समाज में कुछ एंगल से बात चलते आ रही है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस बारे में? इसमें अभी देखिए, जो करंट सिनेरियो तो ऐसा है कि इस पर पब्लिक तो हेल्प मतलब मान ही रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लेकिन इसमें 11 का जैसा उन्होंने टाइम बंधाया है कि एकदम स्ट्रिक्ट 11 बजे, तो उसमें थोड़ी सी छूट मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए, क्योंकि आज कोई भी कहीं पर भी आप भी कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 11 बजे एकदम फुल स्टॉप कहीं रुक जाए, तो उसमें अगर बहुत नहीं तो एक आध घंटे का भी अगर थोड़ा एक ग्रेस पीरियड जैसा कुछ मिल जाए तो वो बहुत मदद होगी। बहुत टाइम से तकरीबन अब मार्च में साल भर हो जाएगा कि व्यापार एकदम बहुत लॉस हुआ है, बहुत मार खाई है लोगों ने, इसमें जितना जल्दी इसमें सोल्यूशन निकलेगा उतनी मदद हो पाएगी। समाज में हर स्तर पर आप चेतना बढ़ाते हो, जन जागृति बढ़ाते हो, ऐसे में आप एक समाज सेवी हो, प्रतिष्ठित समाज सेवी, तो आप सरकार को क्या एक तरह से मैसेज देना चाहूँगी आम पब्लिक? सरकार से हम बहुत खुश हैं, उनके पास सारे डिसीजन सही, जो बोलते हैं सही टाइम पर सही डिसीजन लिया गया है, हमें उम्मीद है कि आगे भी वो पब्लिक और बिजनेस को लेकर ही सब अच्छे डिसीजंस आएंगे, और इसमें हमारी उम्मीद यही है कि ये चीज़ जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए। और नागपुर में जो अभी हाल ही में जो बहुत अच्छा है कि केसेस बहुत रिवर्स हुए हैं और फ्यूचर में भी ऐसे ही कंट्रोल किया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि हमारे बिजनेसेस और अच्छे से वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो जाए, ये हमारी उम्मीद है आगे।